Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, The Psychology. And today in this video, I'm going to explain about a topic or a theory which is given by the Abraham Maslow, and it is a part of the psychology. और इन साइकोलॉजी के अंदर जब हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉपिक को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो कि गिवन क्राथ अब्राहम मैस्लो ने और ये थ्योरी दी थी थे उन्होंने थ्योरी ऑफ नीड बोलते हैं या फिर थ्योरी ऑफ नीड ऑफ हैरार के या फिर लेटर बोलते हैं इस तरीके से सजाना जाता है तो उसके बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन ये अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से आप यहाँ ऑब्जर्व करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन लिखा ये गिवन करता मैस्लो ने इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो और 1954 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी दी थी बेसिकली उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें एक हैनार की एक लेडर सेप बनाई थी और उस लेडर सेप के अंदर उन्होंने बताया था किसी भी ह्यूमन बीइंग जो है उस ह्यूमन बीइंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है आपकी लोअर लेवल से पहुँचते पहुँचते एक हायर लेवल यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर अचीव करने के लिए यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कह रहा हूँ तो ये एक टॉप ऑफ द पैक कि सपोज करो आपके पास एक ट्राइंगल से एक प्रामेड है और उस प्राम सबसे टॉप पर हम बात करें तो सबसे टॉप पर हमारे सामने एक चीज़ आती है जैसे बोलते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जहाँ जिसको हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है तो बात करते हैं इसमें इस मोटिव ऑफ द सेल्फ गिवन बाय द मैस्लो इन 1954 द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुलाइजन रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली इफेक्ट जो इफेक्टिव मोटिवेशन है उसका मोटिवेशन का ये पार्ट होता है सेल्फ एक्चुलाइजेशन हम इसको डिस्कस करते हैं सेल्फ एक्चुलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो आप इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे सेल्फ रेफर टू एन इंडिविजुअल नीड्स टू डेवलप हिज और हर पोटेंशियलिटीज सर्च दैट ही एंड ही और सी इज कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू डू यानी बेसिकली क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है या एक ऐसी कंडीशन है एक ऐसा मोटिवेशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल वो काम करता है जो वो रियलिटी में करना चाहता है जो उसके इंटरनल डिजायर है जो उसकी मन की खुद की मतलब अंदर से करने की जो इच्छा है जो उसका पोटेंशियल है उसको जब वो पूरी तरह पूर्ण रूप से करता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हो कि सपोज करो अगर मैं डेली की जो डेली रूटीन काम है वो सबको एक्साइट कर दूँ और उसके बाद मेरे को अगर पेंटिंग पसंद है और मैं पेंटिंग में ही अपना काम करता हूँ और पेंटिंग से मुझे फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है तो मैं उस कंडीशन में बोलूँगा कि मैं एक जो नीड है जो मेरी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं में जो सेल्फ एक्चुअलाइज जो कि टॉप पर नीड है टॉप लेवल पर जो आती है सेल्फ एक्चुअल उसे पूरा कर रहा हूँ बट रियलिटी में ऐसा देखने को मिलता है कि हम अपने वर्ल्ड के अंदर देखें और अपने सराउंडिंग के अंदर देखें तो सिर्फ ओनली वन परसेंट पॉपुलेशन ऐसी होती है जो इस स्टेप पर लेटर की इस स्टेप पर या इस हैनारे पर पहुँच पाती है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो अचीव कर लेता है उस पर्सनल को या उस पर्सनैलिटी को हम बोलने लग जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजर तो यहां पर आप देखें तो यहां लिखा है फुलेस्ट यूज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज पर्सन ऐसी या ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी कैपेबिलिटीज को कैपेबिलिटी को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करता हो यानी फुलेस्ट उसका यूज करता हो तो उस कंडीशन में उस पर्सन को या उस इंडिविजुअल को हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजर अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज स्टॉट टू बी द टॉप नीड ऑफ हैर ऑफ़ द नीड्स ऑफ मोटिव यानी नीड्स ऑफ मोटिव बेसिकली मोटिवस के टाइप्स हमें पढ़ने होता है तो उसके अंदर नीड ऑफ मोटिव नीड्स या मोटिव की जब हम बात करते हैं कॉन्सप की तो उसमें हमें क्या हुआ मैथ्स में एक थ्योरी थे, इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि एक लैटर होती है जहाँ हम फर्स्ट स्टेप से सबसे पहले वो कदम रखेंगे जब हम फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर देंगे दैन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप दैन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप देन वी विल मूव द नेक्स्ट स्टेप और इस तरीके से हम सबसे टॉप लेवल के मूव उस पर लेवल पर जाना चाहते हैं जिससे बोला गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ओके okay, अगर स्टार्ट करें इसके सबसे नीचे वाले लोअर स्टेप की या लोअर लेटर की अगर मैं बात करूँ तो लोअर लेटर को आप कुछ इस डायग्राम से समझ सकते हैं और इस डायग्राम को अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यह है थ्योरी ऑफ सेल्फ गिवन बाय द अब्राहम दब्राहमो इन 1954 एंड द एंडारकी ऑफ द नीड्स एंड एंडारकी ऑफ एंड नीड्स ऑफ या हेरारकीटर ऑफ द नीड्स हो सकता है तो इसमें क्या है इसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहली जो डिमांड होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है सेकंड जो होती है वो सेफ्टी नीड्स होती है तीसरी जो नीड्स होती है यानी जो थर्ड की अगर हम बात करें इट विल बी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स फोर्थ वन वन इज इज एंड एंड फाइव द फाइनल सेल्फ जेसन तो इसी को मैंने यहां पर डिस्कस करा अगर आप देखें तो यहां पर लिखा इफ वी फॉलो द लेडर और ऑफ द नीड्स इट विल बी इट विल लीड टू द टॉप द नीड ऑफ नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी क्या वो लीड करेगा नियोर से जाएंगे और टॉप पर पहुंचेगा और टॉप पर क्या हुआ क्या रखा हुआ था सेल्फ एक्चुअलाइड जी अब कौन कौन सी नीड्स कैसे कैसे होते हैं तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो इसमें हंगर थ्रस् सेक्स ये सब चीजें आती हैं सेकंड थिंग की बात करें तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेफ्टी नीड्स जिसमें नीड्स आती है सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी की ऑर्डर की फिर थर्ड की बात करें फिर थर्ड आपका जो नीड है उसे हम बोलते हैं बिलोंगिंगनेस यानी अपनापन एंड लव नीड्स सच एज नीड फॉर अफेक्शन आइडेंटिफिकेशन फिर फोर्थ नीड जो होते हैं दैट इज योर एस्टीम एंड फिफ्थ वन इज द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअल जी सर तो आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आसने समझते हैं फटाफट से मैं देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मेरा ध्यान ध्यान से समझना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको ये पॉइंट समझने में कि है क्या तो सबसे पहले अगर बात करें वो फिजियोलॉजिकल नीड है और फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर हम बात करें तो एक पर्सन की ऐसी नीड होती है जो सबसे बेसिक नीड होती है फॉर एग्जाम्पल हंगर जिस तरीके से हमने इसके अंदर लिखा है तो हंगर जो है यानी जो फूड है उसकी वो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर डेली उसको ये बेसिक नीड उसकी पूरी होती है और वो फर्स्ट नीड उसकी कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद फिर एक नई नीड सामने आती है और उसे हम बोलते हैं सेफ्टी नीड यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेप है तो फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर ऐसे कि सपोज का एक पर्सन है और उसे आज का खाना मिल गया और वो आज के खाने को कंज्यूम करता है और खाना खाने के आज के खाने को उसने लेकर कंज्यूम कर लिया और जैसे ही वो कंज्यूम करेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये खाना मुझे कल कैसे मिलेगा यानी अब वो अपने सेफ्टी की तरफ सोच रहा है यानी जब उसने आज की नीड को पूरा करा यानी अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को जब उसने पूरा करा तो वो सेकंड लेटर के सेकंड स्टेप पर पहुंच गया जो की थी सेफ्टी नीड और सेफ्टी नीड उसके दिमाग में क्या आ रहा है फूड को लेके कि कल का फूड मुझे इस किस तरीके से मिलेगा और सपोज करो यहां पर वो सेफ्टी नीड उसकी पूरी हो जाए जिसमें सिक्योरिटी आ, जा आ जाए या स्टेबिलिटी आ जाए जैसे स्टेबिलिटी के मतलब उसको ये मालूम पड़ जाए कि हाँ डेली मेरे को इस तरीके से फूड मिलेगा और उसकी उसे कोई टेंशन ना हो तब वो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेगा जो कि होगा बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स ये बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स के अंदर इसके बेसिक हमने क्या है कि जैसे उसकी सपोज करो जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो मूव करेगा नेक्स्ट लेटर पर जिसने हमने बोला है बिलोंगिंगनेस और लव यानी कि फिर वो अपनापन अपन ढूंढना चालू करेगा अब वो अपनापन वो किसी के साथ में सकता हो सकता है वो एक इंटरेंसिक रिलेशनशिप हो सकता है वो फ्रेंड सर्कल हो सकता है फैमिली हो सकती है कुछ भी आपका इसके अंदर देखने को मिल सकता है जिसमें वो अपनापन एक बिलोंगिंगनेस या फिर एक लव को ढूंढना चालू करता है जिसकी वजह से उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके ना कि यानी कि उस पर्सनैलिटी को कोई रिकॉग्नाइज करे पहले सिर्फ क्या था बेसिक नीड थी बेसिक नीड के बाद

तो इसमें ऐसा होता है कि सपोज करो किसी का हंगर ही पूरा नहीं हो रहा है तो अगर हंगर भी बेसिकली मतलब उसके डेली के फूड की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए अपनापन कुछ नहीं है लव कुछ नहीं है कोई एस्टीम कुछ नहीं है उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कुछ नहीं है क्योंकि उसके अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया पूरा बनना है फिजियोलॉजिकल नीड का कि किसी भी तरीके से उसकी फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए अगर उसका ब्लॉन्गिंगनेस और लव नीड भी कंप्लीट हो जाता है उसे अफेक्शन और आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है देन ही विल मूव टू द एस्टीम नीड और एस्टीम नीड्स के अंदर हम बात करते हैं प्रतिष्ठा की प्रेस्टीज की हम बात करते हैं सक्सेस की हम बात करते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट की यानी यहां पर क्या होता है जैसे थर्ड स्टेप आपका पूरा होगा बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स का उस लव नीड्स और बिलोंगिंगनेस पूरा होते ही आपके एस्टीम नीड्स बाहर निकल के आते हैं तब आप सोचते हैं सक्सेस के बारे में तब आप सोचते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में तब आप सोचते हैं प्रेस्टेज के बारे में इसमें मैंने लास्ट में एक एग्जाम्पल लिया जिसको आप पढ़ कर समझ सकते हो जब मैं अभी दिखा दूँगा इसमें नीचे की तरफ जर जाएंगे तो उसमें मैंने डिस्कस करा एक एग्जाम्पल एक, एक वुमन का जैसे जनों हम देखे लेते हैं यहाँ पर तो इसमें लिखा अ वूमन हैज स्टडी जॉब वही वुमन है जिसकी एक फिक्स जॉब है सी नो सी कॉन्ट गेट वन इफ सी लूज द वन सी हैज यानी उसके पास जो अभी जॉब है अगर वो उसे छोड़ती भी है तो उसको फटाफट दूसरी जॉब मिल जाएगी ये बात उसे पता है नाव सी इज मोटिवेटेड बाय हार्ट नीड्स टू बी लाइक टू बी सक्सेसफुल अब क्योंकि उसे पता है कि मेरी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट आराम से पूरी हो जाएंगी इसलिए वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेगी जिससे हमने बोला था सेल्फ एस्टीम ठीक है सेल्फ एस्टीम यानी कि सेल्फ स्टीम नीड जिसे हमने बोला था उसमें आगे यानी फोर्थ स्टेप की तरफ मूव कर जाएगी और उस फोर्थ स्टेप के अंदर आप वो सब फोकस करिए कि अब मेरे को डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है मेरी एस्टीम भी मतलब डेली रिक्वायरमेंट पूरी है मेरी सेफ्टी पूरी पूरी है बिलोंगिंगनेस भी है उसकी एक रेस्पेक्ट भी है ठीक है सेल्फ रेस्पेक्ट है और अब सेल्फ रेस्पेक्ट के बाद आइडेंटिफिकेशन भी है अब उसका मूव कहा होगा वो एस्टीम नीड की तरफ जाएगी यानी वो चाहिए कि किसी भी तरीके से अब मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ और एक अच्छी तरीके से चीज़ों को बनाता हूँ और उस सक्सेसफुल को भी अगर हम देखेंगे कि किसी तरीके से उसका सक्सेसफुल का भी मोटिव जो पोटेंशियलिटी है वो हो रहा है जो सक्सेसफुल की कंडीशन है जो लैडर है वो भी रहा है फिर वो मूव करेगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर यानी ऐसा हुआ कि सपोज करो मैं अपनी बात करूँ और इस कंडीशन में कहूँ कि मेरे को एक जॉब करता और उस जॉब के अंदर मेरे को डेली के मतलब मंथली मेरे को सैलरी मिलती है और उस मंथली सैलरी की वजह से मेरा जो प्रॉपर नीड्स है जो मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो कम्पलीट होती है पूरी हो रही है उसके बाद मेरी सेफ्टी नीड है वो भी सिक्योर है मुझे फूड मिलेगा क्योंकि मेरे पास मनी है और मैं कंटिन्यूसली उसको परचेस करता रहूँगा और वो मेरे को मंथली मिलती है अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूँ तो मेरी एस टी फिर आती है बिलोंगिंगनेस और लव तो उसमें भी होता है कि जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसका मुझे बेनिफिट है ये एक तरीके का अफेक्शन है ठीक है या अदर अफेक्शन है फैमिली सपोर्ट करती है स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं तो ये सारा क्या यही एक टाइप का अफेक्शन है जिससे मेरा एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि मुझे इस तरीके से जाना जाता है तो ये मेरी थर्ड नीड भी कंप्लीट कम्प्लीट तो करता है बिलोंगिंगनेस एंड लव को फिर आई विल मूव टू द फोर्थ लेवल जहाँ पर मैं सक्सेस को देखना चाहता हूँ अब मेरे रेस्पेक्ट में सक्सेस ये है कि हो सकता है कि मैं अपनी जॉब को लेकर कंप्लीटली सेटिफाइड ना हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मुझे और भी अच्छी जॉब एक

ड्राइंग करनी है मुझे पेंटिंग्स करनी है मुझे कुछ स्केचिंग करनी है और ये मेरी सेल्फ एक्चरवाइज है जिससे मुझे कंप्लीटली जो मेरी मतलब बेसिकली पोटेंशियलिटीज़ है कैपेबिलिटीज़ है वो निकल के बाहर आती है तो उसका मुझे बेनिफिट मिल सके और वो काम मैं कर सकूँ तब मैं कहूँगा कि मैं जो नीड ऑफ एनआर की उसके टॉप लेवल पर पहुंच चुका हूं जिससे मैं बोलता हूं सेल्फ एक्चुअलाई जेसर और तब मैं कहना हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजर तो ये एक इस तरह की कंडीशन है यानी ओवरऑल बेसिकली आप आई होप समझ में आ गई हुई बात आपको ओवरऑल इतनी बात आपको समझनी है कि आपके पास फाइव स्टेप होते हैं आपकी नीड के हिसाब से जिसे हम नीड ऑफ एनआर बोलते हैं या फिर थ्योरी ऑफ नीड ऑफ एनआर बोलते हैं जो कि मैस्लो कहते हैं तो मैस्लो ने कहा कि थ्योरी ऑफ नीड ऑफ एगर में हर किसी पर्सन जो होता है वो फाइव स्टेप हो गए फोर स्टेप के बाद ही अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर पाता है और ऐसे कंडीशन में सिर्फ वन टू टू होते हैं आउट ऑफ 100 परसेंट जो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर पाते हैं कुछ कंडीशन में ऐसा जरूर होता है कि लोग वही काम करना चालू कर देते हैं जिसमें उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजर बन जाते हैं वो उसी काम को करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है या फिर जिसमें उनका बेसिकली फेवर होता है या पोटेंशियलिटी होती है कैपेबिलिटीज़ होती है तो इस तरीके से वो डायरेक्ट भी स्टेप पर पहुंच सकते हैं तो उसी के साथ वो अपने वारों पांच जो बाकी जो फोर स्टेप्स हैं नीचे लोअर डाउन के वो उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके की कंडीशन आपको याद रखनी है तो सिंपल है इसमें याद रखेंगे सबसे पहले जो होता है वो आपके पास होता है हमारे जो बेसिक नीड्स आती है जैसे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं लेटर के सेकंड पॉइंट पर जाओगे इस एस में सेकंड लेवल पर जाओगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे सेफ्टी नीड्स के बारे में फिर थर्ड लेवल पर अगर आप जाओगे तो आप बात करोगे किसके बारे में बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स के बारे में फोर्थ की अगर हमें बात करूँ तो आप देख सकते हैं फिर फोर्थ होता है आपका एस्टीम नीड जहाँ पर फीलिंग ऑफ अकॉम्पलिसमेंट प्रेस्टेज सक्सेस सेल्फ सेल्फ रेस्पेक्ट ये देखने में मिलता है एंड देन रीड टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जहाँ पर एक जो पर्सन है वो वंस फुल पोटेंशियल अचीव करता है अपना फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ यानी जो भी वो एक्टिविटीज़ करना चाहता है उन सारी एक्टिविटीज़ के दम पर वो इस पूरी चीज को एक्वायर करता है तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द साइकोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोटिवेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका जब आप सिलेबस देखोगे तो मोटिवेशन के अंदर थर्ड क्वेश्चन एक उसमें ये सेगमेंट दिया हुआ है जहाँ पर मिस मैस्लो को मैस्लो का जो ये थ्योरी ऑफ नीड ऑफ एनआर की ऐसे डिस्कस करना होता है आई होप समझ में आ गया आपको एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है फाइव स्टेप के अंदर हमें मूव करना है वन बाई वन स्टेप पूरे होते चले आते हैं तभी आप आगे की तरफ मूव करते हो और जो पर्सन <coughs> अपनी पूरी पोटेंशियलिटी वाला काम करता है और अपनी कैपेबिलिटीज़ को पूरा पूरा निकालता है या बाहर की तरफ निकाल के, के आता है शो so, करता है तो हम कहेंगे कि इट विल बी अ सेल्फ एक्चुअलाइजर आई होप बात समझ होपास भी लास्ट में कंडीशन है उसे और देख लेते हैं एक मिनट में वी हैव नोटिस दैट द हायर मोटिव कैन बी सेटिस्फाइड ओनली आफ्टर लोअर डाउन हैव बीन सेटिस्फाइड यानी हायर मोटिव पर आप यानी कि जैसे मैंने बताया सेल्फ एक्चुलाइजेशन पर आप टॉप मोटिव को तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आप लोअर वानी को फुलफिल कर दो अगर किसी भी कंडीशन में लोअर वानी अनफुलफिल रही तो आप हायर लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे और यही क्राइटेरिया और यही बात बताई है मैस्को ने आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी काम में आ सके डोंट फॉर्केट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग